चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हेल्दी होंगे, और मैं भी बहुत ही हैप्पी हूँ, सही हूँ, और मेरे सारे पेट्स भी हेल्दी है और सेफ है। क्योंकि हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे न्यू पप्पी आने के बाद मेरे सारे जो रैबिट्स उसका क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मुझे मैनेज करके रखनी है और सभी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। उसके ऊपर भी आगे चल के आप लोगों को डेली वीडियोज मिलते रहेंगे, और खास करके आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोग इतना बोल रहे थे आपके क्यूट से पप्पीज की और भी ज्यादा वीडियोज लाइए और भी मुझे वीडियोस देखनी है, तो मुझे लगा चलो आज की एक छोटी सी ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो में क्यों ना बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मेरे पीछे कौन है, ये कौन है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वन सेकेंड, ये देखिए बेबी बेबी। तो गाइज इसका नाम ना अभी तक सही से इतना धो पा रही है, वन सेकेंड, तो इसका कुछ भी नाम सही से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जब ही हम लोग घर वाले डिसाइड कर लेंगे आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे, होप सो आज शाम को या फिर कल तक हम लोग डिसाइड कर लेंगे। और हमारे घर में आए हुए ये छोटू सी बेबी को कितना टाइम हुआ है बताए, एक दिन। कल हम लोग संडे के दिन लाए थे, वैलेंटाइन डे के दिन, और आज ही मंडे और आज है 15th of Feb। तो ये रही, मैं आप लोगों को सामने से दिखा देती हूँ। तो आप लोग पूछ रहे थे ये कौन सी ब्रीड है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये एक कल्चर फॉर्म है, जैसे कि टॉय फॉर्म होती है ना, ये बिल्कुल ऑफ वाइट कलर में है, मुझे पता नहीं कि कैमरा में कितना सा समझ में आ रही है। तो एक टॉय फॉर्म नहीं है, ये कल्चर फॉर्म है ना छोनू। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी है ये स्पीड्स की तरह तो नहीं है। देखिए मैं जिधर से लाई हूँ ना, तो हाँ गाइस जिनसे हमने ली थी पप्पी श्याम बाजार गलीफ स्ट्रीट से, तो उन्होंने कहा ये कल्चर पॉम है, ये बिल्कुल ऑफ वाइट कलर में है। क्योंकि मैं ज्यादातर जो टॉय पॉम या फिर कल्चर पॉम मुझे पता है वो ब्राउनिश कलर में होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही ऑफ वाइट कलर में है। और इसका फर की जो क्वालिटी है ना गाइस, बहुत ही सुंदर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वन सेकेंड, आ जा बाबा, ओके। तो गाइस इसका फर की जो आप क्वालिटी है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और ये कल्चर पॉम है, और बहुत ही क्यूट सी सोनू है मेरी, और इसका एज करीबन 1.5 महीना है उन्होंने कहा है, जिनसे हम लिए थे कल, तो उन्होंने कहा 45 डेज के होंगे। और गाइस आज ही हम जाने वाले हैं डॉक्टर के पास विजिट करवाने के लिए, वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ, मेडिसिन जो भी देंगे उसके लिए आज जाएंगे। जो भी होंगे डिटेल्स में जितना पॉसिबल हो पाएंगे आप लोग जानना चाहेंगे, मैं शेयर करूंगी। और वो देखिए घूम रही है घर पे, काम काम डालू काम, अभी उसको ना नींद आ रही है। तो जो भी हो गाइस, कल तो मैंने खास कुछ भी उसके लिए खरीद नहीं पाई थी, और बेड वगैरह कुछ भी सही से खरीदी हुई नहीं है, बस मैं यही वाला, वन सेकेंड, दे दो ये, दे दो ये वाला जो है ना गले के लिए, ऐसे पहनाने के लिए, और ऐसे बेल जैसे आवाज होती है ना वैसे है, बहुत ही क्यूट सी है। मैं अभी नहीं पहनाती हूँ क्योंकि बहुत ही छोटू सी है, बट ये मुझे पसंद आ गई थी तो इसलिए मैंने ले ली थी। और ये इसके गले में बड़े भी होती है, आप लोग देख सकते हो, टू 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 भूशू गुजू बुजू। आप लोग जरूर बताना मेरी छोटू सी बेबी आप लोगों को कैसी लगी। और अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट काम मुझे करनी है, वो है इसका फर को ग्रूमिंग करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखिए अभी तो मेरे पास इसके लिए प्रॉपर कुछ भी नहीं है, ब्रश वगैरह, खिलौने, बेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली घर पे ऐसे साफ सुथरे मेरे पास बिल्कुल क्लीन सी ब्रश है, कॉम्ब है, इसी से मैं ग्रूमिंग करूंगी। तो चलिए मैं करती हूँ एंड उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आ जा। तो देखिए मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्रूमिंग करने के लिए। ऐसे सबसे पहले तो ऊपर से, ठीक है, एरकम बोलते नहीं बाबू, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आपको करनी है, अच्छे से पूरे बॉडी को आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ आप लोग अच्छे से कॉम्ब कीजिए, ओके ओके ओके। और जब अच्छे से कॉम्ब करना हो जाए फिर नीचे की तरफ से ऊपर में करनी है इस तरीके से, आई होप आप लोग देख पा रहे हो, इसी तरीके से बैक में भी हम करेंगे। है ना छोना, तो आज हम जाएंगे और इसके लिए जो भी परफ्यूम होती है या फिर पाउडर्स वगैरह, ब्रश, मेडिसिन सब कुछ लाएंगे। तो चलिए गाइस अभी इसका आई थिंक सोने का मन हो रही है, तो चलिए इसको मैं सुला देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से फिर से आके बातें करूंगी। तो चलिए आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए
वो कहाँ जा रही है, मुझे भी देखना है इसको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है? ओके दे दे चार। अरे छाड़ तो এমনি কে করে কে মিন চ্যানেলটা দিছিস না? হ্যাঁ দিয়েছি। বেল্টও নিজেই নিয়ে যাচ্ছে দেখ, আমার জুতোও নিয়ে নিয়ে তুলে তুলে ভালো জায়গা পরিষ্কার জায়গা রাখে। ডলার ও ও জলে যায় না, জলে যায় না, নো নো। सो गाइस आप लोगों ने देखी, मैं छोटू सी बेबी को अभी छत से घुमा के लाई हूँ और मुझे डॉक्टर से ये भी परमिशन लेनी है क्या हम इतने छोटी सी पप्पी को छत में लेके जा सकती हैं, क्योंकि अभी वेदर भी चेंज हो रही है तो मुझे सब कुछ पूछना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी तो फिलहाल कुछ शेयर करने के लिए नहीं है, मैं धीरे धीरे सब कुछ शेयर करूँगी। तो शाम को जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी वो एक सेपरेट बिल्कुल अलग से मैं वीडियो क्यों ना बनाऊँ। अभी की वीडियो मैं इधर पर ही एंड करूँगी और पार्ट टू में मैं डॉक्टर के पास जो पूछू सी सोनू को लेके जाने वाली हूँ, छोटू फोटू जी सोनू को, वह मेरे मुंह में जो भी आती है वही नाम से मैं पुकारने लगती हूँ। और देखिए तब तो खेल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं सो रहे थे, और अभी देखिए मेरी लैपटॉप के ऊपर में जाके वो सो रही है। तो चलिए गाइस मैं अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं फिर से शाम के टाइम से वीडियो को कंटिन्यू करूंगी जब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी वैक्सीनेशन के लिए या फिर मेडिसिन के लिए, क्या क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ आने के बाद डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।